रेडियो सिटी पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा वापस से एपिसोड लेकर आ गए हम एक्शन का रिएक्शन विद माय बॉयज प्रतीक, विक्रम एंड पुनीत। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। खुशी हुई कि आपने हमें बॉयज कहा। नहीं, हम तो है ही। खुद प्रतीक लग रहा है। आप तो हीरो है यार विक्रम। बस तो फिर ठीक है, शुरू करो। अरे पुनीत कहाँ गया, अपना बाग गायब हो गया पुनीत? नहीं नहीं, मैं यही हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अब आप बोल रहे हैं सर बॉय के नाम से, तुम क्यों चुप रहे हो पगले? क्योंकि सर मैं तो किड हूँ ना। ओ, अगर आप बॉयज है इस हिसाब से तो मैं किड ही हुआ। तो शुरू करें पुनीत। हाँ मुकेश भैया, हमारे आज जो सारथी है हमारे आज रथ के, वो मुकेश भैया है। मुकेश भैया पहला वीडियो प्ले कर दिया जाए, उनका कर्सर चल चुका है। ये क्या था भाई? पता चला मैंने बीएड क्यों बढ़ा रखी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये बाल काटने वाला की बाप है भाई? मैं तो अपने बाल चेक कर रहा हूँ यार। कहीं बड़ा बड़ा तो नहीं। बहुत डिसअपॉइंट था कि मेरे यहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा है, अच्छे बाल नहीं कटे हैं। रिएक्शन दे रहा था वो भी। ऐसा नहीं मनीषा, तुम जैसे बाल बाल कटवाने जाती हो कभी? सर, मैं कटवाती नहीं, आप देख रहे होंगे। उन्हीं तुझरा मैं क्या कहूँ। नहीं, इसको देखने के बाद मुझे मेरे गांव वाले भैया के लिए इज्जत बढ़ गई, जो सिर्फ खोपड़ी से गर्दन टांगों में फंसा के बाल काटते हैं, कम से कम जूते नहीं मारते। हाँ, तभी तुम्हारा चेहरा बड़ा होते जा रहा है पुनीत। सर वो फैट आ रही चप्पल खाने, माथा चौड़ा हो रहा है तुम्हारा। नहीं, वो बोलते जिसका माथा चौड़ा होता है भाग्यशाली होता है, तो मेरे हिसाब से रेडियो सिटी। वही कह रहा हूँ मैं तुम्हें। सर हमारे गांव में एक संत बाबा राम प्रसाद अनाथालय है। ओह, बहुत ही नेक ख्याल है आपका। उसको तोड़वा के नया कैसीनो खुलवाना चाहते हैं। वो क्या है कि सर अनाथालय में बच्चे बैठ के जुआ खेलते हैं, तो हमने सोचा जब जुआ ही खेलना है तो कैसीनो बना देते हैं, बढ़िया मस्त एसी में बैठ के खेलेंगे। अद्भुत, उच्च कोटि का विचार। नहीं नहीं, ये उसी तरीके से है जैसे एक जमाने में सट्टा बैन होता था, लेकिन आज वो दूसरी एप्लीकेशंस के नाम से अभी हिट चल रहा है। हम नाम नहीं लेंगे किसी का। सर आप नाम मत लीजिए और मैं काम नहीं करूंगा। नहीं, मैं प्रमोशन के पैसे मिलते हैं स्टोरी पे डालने। हाँ तो पैसा नहीं तो बोल देंगे अच्छा काम कर रहा है। सर मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसी सट्टा कंपनी में काम करने गया था, तो उन्होंने मुझे काम दिया कि तुम्हें वो यूट्यूबर ढूंढने जो हमारे ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैंने पहला वीडियो डाला तो उसमें एक सट्टेबाज था, वो बता रहा था कि इस ऐप पे आप करोड़पति कैसे बने, उसके 7 व्यूज थे। तो मैंने उसको कमेंट करके बताया कि अगर तुझे पता है ना तो पहले तू बन करोड़पति और एक अच्छी रिंग लाइट खरीद। इस पे तो पुनीत तुम्हारा वो वीडियो याद आ गया मुझे, जब तुम लोगों को जाते हो नेटवर्क मार्केटिंग वाले बताने के लिए, गाड़ी ले लोगे और खुद साइकिल पे जाते हो। सर वो नेटवर्क मार्केटिंग का वीडियो मेरा असली वीडियो। यही सब बोल के तो मैंने यहाँ रेडियो सिटी में नौकरी पाई है ना। नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ पुनीत तुम कर सकते हो। कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है, मतलब कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये कैसे हो गया यार। ओह, ये तो सुपरस्टार है और आज हमारे साथ मयंक अभी नहीं है, लेकिन मयंक का फेवरेट है ये आरजे मयंक, जो लास्ट टाइम आपके साथ थे। लेकिन भाई उस लेडी का दर्द भी तो समझो, फाइनली अच्छा टेक मिल रहा था। बॉमर बन के कोई आ गया बच्चा। नहीं, उसको लगा शायद डीएम में कुछ कुमारे लड़के आ जाएंगे जहाँ पे बैठे हैं, बच्चे आ गया तो भगाए भगो यहाँ से। She's be like, नहीं ये मेरा नहीं है। उसने देखा सर कैसे डिसोन कर रही है, लग रहा है गर्दन कैसे टेढ़ा किया हुआ था, उसको लगा था टेढ़े होने से ही फोटो अच्छी आती है। जैसे हम एड को स्किप कर देते ना खट। एग्जैक्टली। अरे यार ये मेरी शर्मांती वीडियो किसने डाली यहाँ पे?
क्या मेरी शुरुआती वीडियो किसने डाली खाना बनाने की? वो पता है कहने वाला था भाई, क्या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने वो अपनी मुंडी उल्टी कर दी और तुम्हारे बाल काट रहा है। मैंने कहा यार ये तो एकदम वही लग रहा है, तुमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। आई लाइक योर ऑनेस्टी, तुम्हारी यही ऑनेस्टी मुझे इतनी पसंद है मैं बता नहीं सकता भाई। मल्टीटास्किंग हो गया ना, कुकिंग भी हो गई और प्रैक्टिस भी हो गई। हां सही बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पेड़ों की डाली काट रहा है ऐसे ऐसे। मुझे लगा था मैगी के बाद से वो पत्तियां निकलेंगी बाद में। अच्छा ये इसको फिर खाते होंगे तो फिर जब ये वापस बाहर आती होगी तो? सर आपको पता नहीं है जो लड़कियां कढ़ाई में खाती हैं वो बारिश होती है उनकी शादी बारिश होती है। अबे वो कढ़ाई की बात नहीं कर रहा है, वो फॉर्मेट की बात कर रहा है। हाँ इसीलिए मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा था। समझने वाले समझ गए। ये खाने के बाद कुछ लोग यार ये चुप फिर मैं नहीं समझी शिट। ये खाने के बाद कुछ लोग मेडिकल स्टोर जाएंगे और बोलेंगे भैया कीड़े मारने वाली दवाई दे दो पेट में बहुत है। मुझे पीने का शौक नहीं। ये सही आदमी है, ये टैलेंटेड आदमी है, इतना बेहतरीन आदमी है, मतलब रिस्पेक्ट फॉर हिज करेज। क्योंकि जब उतरेगी जो जितने डंडे पड़ेंगे उसका इसे एहसास नहीं है बेचारे को। अभी इसको देख करके ना मुझे पुनीत और अच्छा लग रहा है भाई, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं, ये पुनीत है। प्योरली नीट। नहीं तो मुझे तो लग रहा है जो प्रतीक सर बोले ना डंडे पड़ेंगे तो अभी जो आवाज की दर्द में है वही दर्द उसके शरीर में होगा। ये लट्ठे मार मार के इसको जो है उल्टा लटका के इसकी जो सताई होगी आज डंडा तेरा भाई मारेगा। कभी कभी सर इन लोगों का लीवर चौक नहीं जाता होगा कि ये पानी क्यों पी रहा है? वो तो है अक्सर होता है उनका, क्या यहाँ पर भी हम लोगों का भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये कि हम लोग जेल नहीं गए। भाई घर की बात बाहर नहीं, घर की बात बाहर नहीं। ओह यस आई जस्ट फॉरगॉट यार। मैंने लास्ट टाइम कब इतनी पी थी और कैसे बवाल मचाया था वो सब याद कर रही है अभी। नहीं बस यही एक खूबी है, बाकी सारी खामियां हैं। निशा को दो जगह पे उल्टी आती है, कार पे चलने पे, दारू पीने पे। तुम दारू नहीं पीती? अरे नहीं यार, तब तो लड़का खोजो यार इसके लिए यार, जल्दी करो यार पुनीत यार, छोड़ो ये सब, लड़का खोजो यार। हर बार का मुद्दा यहीं पर आके फंस जाता। सर मैं भाई थोड़ी ना उसका। तू अपनी शादी मत तोड़वा लियो ठीक है। आई हैव बेटर देन नहीं लाइट मार मार के। चलो अगला वीडियो चलाओ मुकेश। वैसे ये सच बात है, मोए मोए को बीमारी घोषित कर देना चाहिए। ये भारत में आने वाला, ये इनफैक्ट दुनिया में आने वाला नेक्स्ट पैंडेमिक बन सकता है, इसको अभी के अभी एक बीमारी घोषित कर दो। मैंने एक रील देखी थी जिसमें पेशेंट डॉक्टर पेशेंट को देख के आते तो उसके घर वाले पूछते डॉक्टर साहब क्या हो मेरे बेटे को, तो कहते हैं कि आपके बेटे को कोई बीमारी होती तो मचा लेते आपके बेटे को मोए मोए। Exactly. वही मैं कह रहा हूँ, इसको घोषित कर देना चाहिए, इसको मतलब खत्म कर दो, इसको जड़ से उखाड़ दो भाई। ये पैंडेमिक की तरह आया है, चला जाएगा। मेरा लाइफ भी इस वक्त मोए मोए हो रखा है गाइस। तुम्हारी लाइफ में मोए क्या हो गया? ये मोए मोए के धागे, वरना मोए मोए की जगह मोए पिया आ जाएगा जल्दी। जल्दी मोई मोई करने लगेगी सच में। चलो खत्म करो मनीषा। चलो ऑलराइट, थैंक यू सो मच विक्रम, प्रतीक एंड पुनीत हमारे एक्शन का रिएक्शन में अपना रिएक्शन देने के लिए। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना रेडियो सिटी के चैनल को ना भूलें। एंड मोई मोई गाइस, बाय बाय।